आईपीएल के मेगा ऑक्शन में टॉप थ्री पिक की बात करें तो तीन नाम निकल के सामने आते हैं। पहला ऋषभ पंत का, दूसरा श्रेयस अय्यर का और तीसरा वेंकटेश अय्यर का है। यानी कि इस आईपीएल में अय्यरों पर जमकर पैसा बरसा है, लेकिन नंबर एक पोजीशन पे हैं ऋषभ पंत जिनको 27 करोड़ रुपए मिले हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 27 करोड़ देकर अपनी टीम में शामिल किया है। नंबर दो पर आते हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपये दिए हैं और अपनी टीम में शामिल किया है। तो वहीं केकेआर ने वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में एक बार फिर से शामिल कर लिया है, क्योंकि वेंकटेश अय्यर केकेआर का ही हिस्सा थे। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये तीनों प्लेयर ओवर प्राइस प्लेयर हैं, क्या इन तीनों प्लेयर्स को उम्मीद से ज़्यादा पैसा मिला है। बात करें अगर ऋषभ पंत की तो ऑक्शन से पहले ही कहा जा रहा था कि ऋषभ पंत इस आईपीएल में सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। श्रेयस अय्यर के बारे में भी यही थिंकिंग थी, लेकिन वेंकटेश अय्यर का नाम कोई नहीं ले रहा था। लेकिन एक और नाम था जिसकी जमकर चर्चा हो रही थी, लेकिन उस प्लेयर को इस मेगा ऑक्शन में उतने पैसे नहीं मिले, वो नाम है ईशान किशन का। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन को लेकर भी सोशल मीडिया पर जमकर हल्ला मचा था कि ईशान किशन को भी इस मेगा ऑक्शन में जमकर पैसा मिलेगा और वो कम से कम 20 से 25 करोड़ के आसपास जाने वाले हैं। लेकिन ईशान के साथ ऐसा नहीं हुआ और ऐसा केएल राहुल के साथ भी नहीं हुआ, लेकिन ईशान के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन तीन खिलाड़ियों पर जमकर पैसा बरसा है, उन खिलाड़ियों को लेकर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं और ब्रॉडकास्टर क्या कह रहे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दरअसल दोस्तों, एक्सपर्ट की माने तो जो इन तीनों प्लेयर्स को पैसा मिला है, चाहे वो ऋषभ पंत हों 27 करोड़, चाहे वो श्रेयस अय्यर हों 26.75 करोड़ और चाहे वो वेंकटेश अय्यर हों 23.75 करोड़ वाले, इन ये तीनों प्लेयर जो हैं वो ओवर प्राइस प्लेयर हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा, मोहम्मद कैफ, इरफान पठान जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई ये ओवर प्राइस प्लेयर हैं। क्या वाकई में ये प्लेयर इतने पैसों के लिए डिज़र्व करते हैं, ये एक्सपर्ट का कहना है। वहीं दोस्तों, स्टार क्या कहता है यानी कि ब्रॉडकास्टर क्या कह रहा है वो भी आपको जानना ज़रूरी है। दरअसल ये जो बात जो है ओवर प्राइस वाली, ये ब्रॉडकास्टर की तरफ से ही पहले बताई गई है, बाद में इन प्लेयर्स ने, इन एक्सपर्ट ने अपनी राय शेयर की है। लेकिन स्टार जो कि ब्रॉडकास्टर है उसने क्या कहा है, उसने इन तीनों प्लेयर्स को ओवर हाइप प्लेयर बताया है, ओवर प्राइस प्लेयर बताया है, जबकि ईशान किशन को इतने पैसे नहीं मिले। मिलने चाहिए थे, ईशान किशन को भी 20 से 25 करोड़ में जाना चाहिए था, लेकिन उनका तीसरे राउंड में नाम आया जिसकी वजह से ईशान किशन कहीं ना कहीं पीछे रह गए और वो 11 करोड़ 25 लाख रुपये में एसआरएच का हिस्सा हो गए। लेकिन यहाँ पर ईशान किशन तो नहीं उतना पैसा बरसा, हालांकि 15.75 करोड़ में वो मुंबई से खेल रहे थे पिछले सीज़न और पिछले 7 साल से मुंबई के साथ थे, लेकिन इस साल मुंबई ने ईशान किशन का साथ छोड़ दिया और एसआरएच ने उनका हाथ पकड़ लिया। लेकिन आईपीएल के मेगा ऑक्शन के टॉप थ्री पिक जो कि ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर हैं, इन तीनों प्लेयर्स को स्टार यानी कि ब्रॉडकास्टर ने ओवर प्राइस, ओवर हाइप प्लेयर बताया है। इसके बाद तमाम सारे एक्सपर्ट ने भी इस राय पर अपनी रजामंदी बताई है कि ठीक, मतलब जो ब्रॉडकास्टर बोल रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई भी है, इन प्लेयर्स को ओवर प्राइस बताया है और इस बात को भी एक्सपर्ट मान रहे हैं। आप लोग दोस्तों क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में ऋषभ पंत को 27 करोड़ मिले हैं तो वो ओवर प्राइस हैं, क्या श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ क्या वो भी ओवर प्राइस हैं, और क्या वेंकटेश अय्यर, हालांकि वेंकटेश अय्यर को लेकर ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ मिलेंगे, तो क्या वाकई वो ही, मतलब वो भी ओवर प्राइस हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। फिलहाल इसी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।